गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे, यानी आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुण किस क्रम में बढ़ते या घटते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि तत्व की आयनन ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तनशील है। अब मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि आयनन ऊर्जा होती क्या है। किसी तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास सोडियम है तो सोडियम में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन के बाद जो 11वां इलेक्ट्रॉन होगा वो सोडियम की सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सोडियम के तत्व को ऊर्जा देनी होगी। इस ऊर्जा के कारण सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और सोडियम प्लस में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आयनन ऊर्जा कहलाती है, या इसे हम प्रथम आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो Na प्लस बना है उससे अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हमें दोबारा से ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वो जो दोबारा से हम ऊर्जा देंगे वो सामान्यतः पहली प्रथम बार दी गई ऊर्जा से अधिक मात्रा में देनी होगी। तो दूसरी बार ऊर्जा देने से वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकलेगा और सोडियम सोडियम प्लस से सोडियम प्लस टू में परिवर्तित होगा, उस सेकंड टाइम में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे द्वितीय आयनन इलेक्ट्रॉन, और उस सेकंड बार में जो हमने ऊर्जा दी है उसे हम द्वितीय आयनन ऊर्जा कहेंगे। इसे हम आयनन विभव से भी परिभाषित करते हैं। अब किसी तत्व की आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं इसे हम देखते हैं। मेनली 6 प्रमुख कारक हैं जो कि किसी तत्व की आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला है परमाणु का आकार। किसी तत्व या किसी परमाणु का आकार उसकी आयनन ऊर्जा को किस प्रकार परिवर्तित करता है। देखिए, अगर किसी परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा तो उस परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। जब ये दूरी बढ़ती जाएगी तो नाभिक बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित नहीं कर पाएगा, यानी कि नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा जैसे जैसे इनके बीच में दूरी बढ़ती जाएगी। तो दूरी बढ़ना और आकर्षण बल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, जिससे दूरी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के साथ साथ उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण बल कम होगा और उस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं। तो जब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं तो उसके लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कम ऊर्जा हमें उस परमाणु को देनी होगी। तो कम ऊर्जा देनी होगी तो उस परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान भी कम होगा। यानी हम अगर एक लाइन में इसको कहें तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ हमें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी होती है, यानी उसका आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान भी कम होता है। तो आकार बढ़ेगा, किसी परमाणु का आकार अगर बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, और इसके उल्टा हम बात करें कि किसी परमाणु का आकार कम होगा तो आयनन ऊर्जा हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब इसमें हम सेकंड वाले प्रभाव को देखते हैं, नाभिकीय आवेश का परिमाण। यानी कि जो परमाणु हम ले रहे हैं उस परमाणु के नाभिक का आकर्षण कितना मजबूत है और उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कितना है। देखिए, जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, तो नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक
और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि अगर नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो कक्षाएं हैं उनमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो नाभिक को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने से रोकेंगे। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे जो फाइनल नल नाभिक का आकर्षण बल प्रभावी होगा उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। किसी नाभिक का जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिक आवेश होगा वो उतनी ही प्रबलता से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और उस परमाणु के लिए हमें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी जितना ज़्यादा प्रभावी नाभिक आवेश होगा उतना ही ज़्यादा आयनन ऊर्जा का मान होगा। तो प्रभावी नाभिक आवेश और आयनन ऊर्जा का मान एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब तीसरा इसमें मेन है आंतरिक इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट कई बार एग्जाम में एक नंबर दो नंबर में भी पूछा जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? देखिए, नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के बीच में कई कक्षाएं पाई जाती हैं, उन कक्षाओं में दूसरे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से बाह्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को संरक्षित या प्रोटेक्ट करते हैं। नाभिक का आकर्षण बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर उतना नहीं पड़ पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में कई सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से बाह्य इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं यानी उसका परिरक्षण करते हैं या बचाव करते हैं, इसलिए इस प्रभाव को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो अंदर के कक्षकों में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा और जितना परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा उतना ही हम बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को आसानी से परमाणु या तत्व से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट उस परमाणु के आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्वेश्चन आया आपको समझ में? शील्डिंग इफेक्ट हमेशा अंदर वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं या परिरक्षित करते हैं। आयनिक ऊर्जा पे हम अगला वाला प्रभाव देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों का भेदन प्रभाव यानी पेनेट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, जो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु हैं उनमें कई सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में भी होंगे, पी में भी होंगे, डी में भी होंगे, एफ में भी होंगे। एस कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे पास होते हैं, पी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ा दूर होते हैं, डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और भी दूर होते हैं, एस एफ कक्षा का इलेक्ट्रॉन और भी दूर होते हैं। तो सबसे पास में होता एस इलेक्ट्रॉन, उससे दूर पी, उससे दूर डी और उससे दूर एफ। तो एस इलेक्ट्रॉन जब सबसे ज़्यादा नाभिक के पास में होता है तो अगर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में आएगा तो नाभिक के नज़दीक होगा, नाभिक के नज़दीक होगा तो नाभिक का उस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल भी ज़्यादा होगा। आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उस अधिक ऊर्जा के कारण ही हमारा आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा, राइट। अब हम ये देखते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन मान लो एफ कक्षा में है तो एफ कक्षा की भेदन क्षमता कम है और वो नाभिक से भी दूर है, तो एफ कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं, तो उसमें हमें आयनन ऊर्जा का मान भी कम होगा। तो अगर एस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा क्योंकि कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पी कक्षा में आयनन ऊर्जा का मान उससे कम, डी कक्षा में आयनन ऊर्जा का मान उससे कम और एफ कक्षा में आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम, क्योंकि एफ कक्षा नाभिक से ज़्यादा दूर होती है। नाभिक से ज़्यादा दूर होती है तो एफ कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस पर नाभिक के आकर्षण बल का प्रभाव उतना नहीं होता, है ना। और एस कक्षा नाभिक के सबसे पास होती है तो उस पर नाभिक का एस कक्षा में इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, तो उसमें आयनन ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होगा। अब अगला वाला टॉपिक है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक में, जो अगला वाला टॉपिक है पांचवा, वो है
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयनन ऊर्जा को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थाई होता है और कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई है। तो जिन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थाई विन्यास वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तित होना चाहेंगे। जैसे सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 11 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम की टेंडेंसी होगी कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस विन्यास के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। तो सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जिन परमाणुओं में या जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसके परमाणविक कक्षक या तो पूरी तरह भरे हुए हैं या अर्ध भरे हुए हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। जैसे कि अगर कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरे हुए होंगे, सारी कक्षाएं भरी हुई हैं, तो वो बाकी तत्वों की तुलना में या बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में ज़्यादा स्थायी होगा। या फिर वो तत्व जिनकी कक्षा में एग्जैक्ट आधे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जैसे कि अगर पूरी कक्षा भरने में 10 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 5, तो आधे भरे हुए हैं पूरी तरह, 4 या 6 नहीं एग्जैक्ट 5, तो वो अर्धपूरित कक्षक कहलाएंगे। और अर्धपूरित कक्षक स्थायी कक्षक होते हैं और जो स्थायी कक्षक होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग इजीली नहीं करते। तो उस तो स्थायी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण ही हमारे आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णपूरित है या अर्धपूरित है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और जब ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो उनके आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लें उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसों की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2NP6 होता है। तो ये पूर्ण पूरित कक्षक है, पी कक्षक, तो ये बाकी तत्वों की तुलना में अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो और भी तत्व हैं या इस आवर्त के जो तत्व हैं उनकी आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा। तो हम आवर्त सारणी में देखते हैं कि उत्कृष्ट गैस विन्यास या उत्कृष्ट गैस जो हैं उनके आयनन ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। ऐसे ही अगर हम अर्धपूरित कक्षक का उदाहरण लें तो देखिए हमारे पास नाइट्रोजन का उदाहरण है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p3। तो पी कक्षक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन के केस में पी कक्षक में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन यानी अर्धपूरित कक्षक है। अर्धपूरित कक्षक भी बाकी कक्षकों की तुलना में स्थायी होता है, इसलिए इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। और एग्जाम्पल के रूप में हम बेरिलियम देख सकते हैं जिसमें भी एस कक्षक पूर्णपूरित है, मैग्नीशियम देख सकते हैं जिसमें भी एस कक्षक पूर्णपूरित है। तो जो पूर्णपूरित कक्षक हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो अर्धपूरित कक्षक है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। इनके अलावा जो तत्व हैं उनके आयनन विभव का मान कम होगा। ठीक है, अब जो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक में लास्ट पॉइंट है वो है 6 नंबर का। इस पॉइंट में हम देखते हैं कि परमाणु या आयन का कुल आवेश किस प्रकार आयनन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। देखिए, कोई परमाणु अगर उदासीन है तो उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धन आवेश में परिवर्तन हो जाएगा। धन आवेश में परिवर्तन होने के बाद में अगर हम उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसमें धन चार्ज डबल हो जाएगा। अगर हम उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम तो उसमें धन चार्ज ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तब वो इजीली निकलेगा क्योंकि उस समय उस पर कोई धन चार्ज नहीं है, लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले से उस पर धन चार्ज है, वो धन चार्ज बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को और आकर्षित करेगा
तो उससे दूसरे नंबर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा की आवश्यकता का मतलब है आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हमने और ऊर्जा दे के निकाल लिया, उसके बाद जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस परमाणु पे या तत्व पे प्लस टू चार्ज हो चुका है। अब प्लस टू चार्ज होने के बाद अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस टू चार्ज उस तीसरे इलेक्ट्रॉनों को निकलने नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और परमाणु पे अब क्या है प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज उस तीसरे इलेक्ट्रॉन को और आकर्षित करेगा। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अधिक ऊर्जा उस परमाणु को देनी पड़ेगी, जिससे कि तीसरे वाले आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। तो सामान्य केस में फर्स्ट वाले आयनन विभव का मान या आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, दूसरे वाले आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है, तीसरे वाले आयनन ऊर्जा का मान और अधिक होता है। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में परमाणु या तत्व पे प्लस चार्ज बढ़ता जाता है, और जो नाभिक का प्लस चार्ज है वो भी बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको और मजबूती के साथ और प्रबल बल से आकर्षित करता है, जिससे आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो आपने इसमें ये देखा, मैंने आपको छह कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के आधार पे हम आयनन ऊर्जा को प्रभावित कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसका अध्ययन कर सकते हैं। मेनली छह कारक है, छह कारक साथ में भी पूछ ले जाते हैं और कई बार अलग अलग से भी पूछते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट को अलग से भी पूछ लेते हैं कि परिरक्षण प्रभाव होता क्या है, तो परिरक्षण प्रभाव को आपको अच्छे से याद है करना। दूसरी चीज़, कई बार ये पूछ लेते हैं कि कोई पूर्ण पूरित कक्षक है या अर्धपूरित कक्षक है तो उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ, जैसे पॉइंट नंबर वन में है कि उत्कृष्ट गैसों के लिए आयनन ऊर्जा का मान अधिक क्यों होता है। तो इस प्रकार से या आवर्त में सबसे ज़्यादा मान जो है वो आयनन ऊर्जा का मान किसके लिए होता है, तो उत्कृष्ट गैसों के लिए होता है। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, जो एक एक नंबर में या दो दो नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अब ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको डिटेल मैं देखिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और इसके नोट्स भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हमारे बहुत ही कम हैं, मेनली जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम के ही हैं, तो मैंने सोचा कि आपको हिंदी मीडियम में ही मैं इसको पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम में ही नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि आपको वो पढ़ने में भी आसानी रहेगी और आप बाद में भी वीडियो लेक्चर देख के पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम में नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। पहले मैंने जो इंग्लिश मीडियम में नोट दिए तो कई सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमें समझ में तो आ गया लेकिन हम उसको लिखें कैसे, इंग्लिश मीडियम में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटा इसमें प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन मैं इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड अब करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो लेक्चर देखें, उसको एक बार समझने की कोशिश करें, फिर हिंदी मीडियम के नोट से आप इसको थोड़ा सा कंसल्ट कर लें। तो हिंदी मीडियम के नोट देखने के बाद मैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी बात भी सही है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो नोट्स हिंदी मीडियम में आपके लिए सूटेबल रहेंगे। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में लगभग 150 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन मोस्टली 40-50 बच्चे ही वीडियो देखते हैं, असाइनमेंट पूरा करते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं। बाकी बच्चे सिर्फ व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, वीडियो देखते भी नहीं हैं, असाइनमेंट भी नहीं करते हैं, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो और देखें, वीडियो देखने के साथ साथ पहले तो आप नोट्स देखें, नोट्स को डाउनलोड कर लें, है ना, और उसको समझने की कोशिश करें। नोट्स पे एक हल्की सी रीडिंग लगाने के बाद में आप वीडियो देखें कि मैंने किस चीज़ को कैसे समझा रखा है, तो उसको नोट्स से आप कोरिलेटेड कर लें कि वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में आप एक असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखें कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो में मिला नहीं मिला या नोट्स में मिला नहीं मिला, आप असाइनमेंट सोल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और असाइनमेंट में जिन जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं,
और नोट्स में आपको कुछ नहीं समझ में आया तो जो पोर्शन समझ में नहीं आया, जो पार्ट समझ में नहीं आया, नोट्स का जो हिस्सा समझ में नहीं आया, उसके फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो मैं एक आपके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी अलग से रख दूँगा, जिसमें बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जैसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर है तो एक जो चैप्टर है उसमें जितनी भी बच्चों को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई हैं ना, उन प्रॉब्लम्स को हम एक साथ ही एक अलग से वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। उस वीडियो को सभी बच्चे ज़रूर देखें। हो सकता है आपने क्वेश्चन नहीं पूछा हो लेकिन वो क्वेश्चन किसी और बच्चे ने पूछा हुआ हो तो उसका आंसर मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, है ना। तो आप मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इस बार ये क्वेश्चन आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे तरह से याद कीजिए, है ना। हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। अब बाय।